फ्रेंड्स, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। तो सुबह के बज रहे हैं 5, तो आज हम जल्दी उठ गए क्योंकि आज जाना है भैया भाभी को दिल्ली, तो इसलिए हम जल्दी उठ गए। उनके लिए रोटी बना ली है हमने, ये देखिए रोटी बना ली है और सब्जी सब्जी भी बना ली है। हाँ, सब्जी भी बना ली है मम्मी ने और ये चाय बन रही है, तो अभी हम चाय बना रहे हैं और उसके बाद मम्मी आग जला रही है। तो मम्मी ने मेरे को बोला तू चाय देख, तो मैं चाय देख ली। तो ये है दूध और ये है चाय। तो अब मैं दूध डाल देती हूँ। तो मैंने दूध डाल दिया है और इसमें चाय पत्ती कम हो चुकी है क्योंकि चाय बहुत ही वाइट हो गई है, तो चाय पत्ती डालती हूँ मैं। तो अभी हम भेजने भी जाएंगे उन्हें भीरोखाल, तो देखते हैं अभी कौन सी वाली गाड़ी में जाते हैं। रोडवेज मिल जाएगी तो रोडवेज। हमारी भाभी जी भी उठ चुकी है। हाँ, और ये देखिए हमारी कितली में चाय बन रही है अभी। तो यहाँ पे रोटी पैक करेगी मम्मी, तो रोटी पैक कर रही है। हमारे तो ये देखिए, ये है मेरी रोटी और मैं रोटी खा रही हूँ सुबह सुबह, भूख लग गई। ये हमने चाय रख दी है और अब चाय ले जाते हैं भैया भाभी के लिए। हटो, चाय भाभी, रोटी रख लो। कन्या आ जाएगा, लो भैया चंदा मामा चाय पी रहे। ठंडा हो रहा चाय, ठंडी। भाभी को ठंड लग रही है सुबह सुबह उठ के, चाय पियो। और बाहर ऐसा हो रखा है, अभी अंधेरा हो रखा है पूरा। विदाई समारोह तो चलते हैं। चलो चलते हैं, चलते हैं। कह गया बल भाभी। तो अंधेरा हो रखा है और हम जा रहे हैं क्योंकि बस भीरोखाल में रुकी है। ऊपर देखो टिम टिम कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये मम्मी भाभी, बाय बाय। कैसा लग रहा है? हाँ, तारा दिख रहा है, बहुत सुंदर। और ये देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा लगा है। और ये देखिए इनको, भीरोखाल आ चुका है और बस वेट कर रही होगी। और उजाला भी हो चुका है थोड़ा, बहुत ही ठंडा हो रहा है। आ जाओ बल। तो ये है बस, तो ये दो बस लगी है यहाँ पे, किस वाले में जाएंगे देखते। ये वाली, ये वाली। चलो, तो हमारे चाचा भी जा रहे हैं इसी बस में। बाय शिव भाई, सभी कहा जाओ ना, दे चाचा बुना। तो इस वाली बस में चाचा भी चले गए। बाय भाभी, बाय भैया, बाय। फोन कर देना, ठीक है, जा बाय। तो चली गई है उनकी बस, रामनगर वाली में जा रहे हैं ना। और ये क्या है? ओ भाई है। और अभी भीरोखाल बंद है तो हम जा रहे हैं, और अब हम घर जा रहे हैं। पूरा अंधेरा हो रखा है। और देखिए हमारा गांव है, और जो ये चांद दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है लाइट है, तो बहुत ही सुंदर चांद। फोन में तो फिर भी छोटा सा दिखाई दे रहा है, बट वैसे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये हमारा गांव, पूरा अंधेरा हो रखा है।
और ये देखिए हमारे पहाड़ों का नज़ारा, अभी सुबह सुबह का नज़ारा ऐसा हो रखा है, ये देखिए। और यहाँ हमारा गांव है, कहीं कहीं पर लाइट जली है बस, और बहुत ठंडा मौसम हो रखा है ये देखिए। और ये मम्मी पापा जा रहे हैं आगे से, और ये देखिए मम्मी लगी है, और ये हमारा गांव, और अंधेरा खुल याला हो चुका है पूरा अभी, और बहुत ही ठंडा हो गया, कुकड़ा भी बाज गई। तो ये देखिए हम अपने नाव के सामने पहुंच चुके हैं, ला 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 गाने भी लग चुके हैं हमारे भैरव बाबा के मंदिर में। ये देखिए अंधेरा हो रखा है, पीछे से मम्मी आ रही है, हो ये घर में पहुंच गए हम, और ये हमारा घर है, अंदर चलती हूँ। पहुंच गया हूँ घर, बहुत ही ठंडे हो गए आज। जैसे दिल्ली से लोग आते हैं ना, तो वो तो रात को आते हैं, तो सुबह यहाँ पहुंच जाते हैं। तो यहाँ गांव का ऐसा रूल है ना कि यहाँ से गाड़ियाँ सुबह ही जाती है, तो सुबह उठ के जैसे 5-6 बजे मतलब जल्दी उठ जाना पड़ता है, तो फिर जिस हिसाब से गाड़ियाँ जाती है तो उस हिसाब से यहाँ से जाना पड़ता है। अंधेरा ही रहता है पर बहुत मज़ा आता है, मतलब अलग ही फील होता है वो, कि हाँ हम अपने घर जा रहे हैं या हम दिल्ली, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो हम भैया भाभी को भेज के आ गए हैं और वो रामनगर वाली में चले गए हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।